हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपके लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि सीईटी एग्ज़ाम में आ गए हैं और इस साल के सीईटी एग्ज़ाम में हेल्पफुल आपको हो सकते हैं, साथ ही साथ ही नीट एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या है जो कि 2023 में है, आया था। अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज़ लेंथ ऑफ 5 मीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओहम। तो पोटेंशियोमीटर का लेंथ दिया है वायर का और रेजिस्टेंस भी दिया है आर। ड्राइविंग सेल हैज एन EMF ऑफ 5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, जिसको हम लोग बोलते हैं 4 ओहम, व्हेन टू सेल्स ऑफ EMF 1.3 1.1 आर कनेक्टेड सो एज टू असिस्ट ईच अदर एंड देन अपोज। तो यहाँ पर असिस्ट भी बताया गया है, जिसमें हम प्लस करते हैं, अपोज मतलब जिसमें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। द बैलेंसिंग लेंथ आर रेस्पेक्टिवली, तो हमें यहाँ पे L1 और L2 जैसा निकालना है। तो हम लोग लेंथ दिया है पोटेंशियोमीटर वायर का जो कि कितना है 5 मीटर है, रेजिस्टेंस दिया है जो कि कितना है 16 ओहम है, स्मॉल आर जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस है 4 ओहम है, EMF दिया है बैटरी का जो कि 5 वोल्ट है। ठीक है, और दोनों सेल जिसका हम इक्वेशन निकालने वाले हैं तो उनकी वैल्यू दी है 1.3 और 1.1। तो हमने ले लिया E1 को 1.3, E2 को 1.1। अब हमें L1 और L2 निकालना है, इन्हीं का तो हमें रेशियो निकालना है बैलेंसिंग लेंथ का, है ना। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो कि क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना, जैसे हम लोग E इक्वल्स लिखते हैं ना KL, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ठीक है, तो इसका जो कांस्टेंट का वैल्यू है दैट इज़ फॉर्मूला भी आपको दिया रहता है टेक्स्ट बुक में, E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल R इंटू कैपिटल R इंटू L। तो हमें E दिया है 5 लिख दिया, R क्वेश्चन में ही दिया है 16 वो भी लिख दिया, स्मॉल R इंटरनल रेजिस्टेंस वो भी लिख दिया, इंटू कैपिटल R की वैल्यू पता ही है 16 और कैपिटल L की वैल्यू है 5। तो यहाँ पर 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा और 5 ऊपर है, 16/5 है, 5 और आप 5 कैंसिल कर दो तो भी इसको 4 4 16 और 4 5 20, तो 4/5 जिसको हम लोग 0.8 भी लिख सकते हैं। एक बार कांस्टेंट की वैल्यू आ गई तो हमें L1 और L2 ईजी पता चल जाएगा, क्यों, जब सम दिया है E1 प्लस E2 तो उसके लिए हमने क्या है फॉर्मूला, KL1 है। ठीक है, तो हमको L1 चाहिए, L1 यही रखा, ये K नीचे डिवाइड में चला जाएगा तो E1 प्लस E2 डिवाइड बाय K हो जाएगा। हमें E1 की वैल्यू पता है 1.3 और E2 की वैल्यू पता है 1.1। अब ये दोनों को हमने लिख दिया 2.4 हो जाएगा, नीचे के अभी हमने निकाला है 0.8 उसको यहाँ रख दिया। अगर आप दोनों को 10 से भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 24/8 है ना, तो 8 3 का कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ पे हो गया 3 मीटर। अब ये हमारा हो गया L1 की वैल्यू। इसी तरह हमको क्या निकालना है L2, वो कब निकालेंगे, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं अपोज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम डिफरेंस कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, हो जाएगा E1 माइनस E2, KL2, L2 क्या हो जाएगा E1 माइनस E2 डिवाइड बाय K। E1 की वैल्यू हमको पता है 1.3, E2 की वैल्यू पता है 1.1 और K अभी हमने निकाला था 0.8, तो 1.3 माइनस 1.1 कितना हो जाएगा 0.2 और 0.8। तो यहाँ अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे तो हो जाएगा 2/8, जिसको और सॉल्व करोगे तो 1/4, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा 0.25। तो हमारा L1 भी आ गया और L2 भी आ गया। ठीक है, अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि वो भी 2023 में ही आया था। रेजिस्टेंस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर इस 2 ओम, एक्चुअली रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ होना चाहिए, जो कितना दिया है 2 ओम पर मीटर। सेल ऑफ EMF दिया है 1.5, बैलेंसेस 300 सेंटीमीटर जो कि लेंथ दिया है, तो करंट थ्रू द वायर पूछा गया है। तो हमें जो रेजिस्टेंस दिया है पर यूनिट लेंथ दैट इज 2 ओम पर मीटर, L1 दिया है 3 मीटर जो कि सेंटीमीटर में दिया था तो हमने मीटर में कर दिया। हमें करंट का फॉर्मूला पता है E/σL1, तो E की वैल्यू कितनी दी थी क्वेश्चन में, E की वैल्यू 1.5 दिया है, सिग्मा हमको पता है 2, L1 भी दिया है 3, तो ये अगर आप 3 से कट कर दोगे 3 5 वैसे ही 15 हो जाएगा, तो अगर इसको हम 2 3 6 और ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1.5 का मल्टीप्लाई 10 से 15, ठीक है, 6 × 10 = 60, तो 15/60 को हम लोग 1/4 भी लिख सकते हैं, तो इसलिए करंट आ जाएगा 0.25। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2022 में पूछा है। अ 10 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओहम पर मीटर, L दिया है, रेजिस्टिग्मा की वैल्यू दी है, कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम,
सो दिस पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द वायर इज, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब आपस के पूछा गया है। तो देखो इसमें लेंथ दिया था 10 मीटर, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जिसको हम सिग्मा भी बोलते हैं वो 2 ओम पर मीटर दिया है, और आर कितना दिया था 2L। तो इसको देखो हम आर को क्या निकाल सकते हैं, 2 × L, तो यहाँ हो गया 2 × L, L की वैल्यू दी है ना, तो 10, तो 2 × 10 कितना हो गया 20 ओम, जो कि हो गया रेजिस्टेंस। EMF ऑफ सेल दिया है 3 वोल्ट दिया है, ठीक है। सीरीज रेजिस्टेंस भी दिया है 10 ओम, क्वेश्चन में मेंशन है। तो पोटेंशियल अक्रॉस वायर क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला है ER अपॉन कैपिटल R प्लस RS, हमें E की वैल्यू 3 दी है, R की वैल्यू 20, R जो कि कितना दिया है वहाँ पे 20, और जो सीरीज वाली रेजिस्टेंस है वो कितना दिया है 10, तो 3 × 20 अपॉन कितना हो जाएगा 30, तो ठीक है 3 × 10 ऐसे भी लिख सकते हो आप, तो 20 upon 10 जो कि 2 हो जाएगा। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला पता ही है, वोल्ट पर लेंथ, तो V दिया था 2 जो कि हमें निकाला, L दिया था वायर का लेंथ जो कि 10 मीटर है, तो 2 upon 10 क्या हो जाएगा 0.2, ठीक है। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सर्किट डायग्राम दिया है, तो सर्किट डायग्राम को मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिया ताकि आपको ये इजीली हो जाए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन द सर्किट शोन बिलो द करंट इन गैलोनोमीटर भी 0, ऐसा कौन से रेजिस्टेंस पे गैलोनोमीटर का करंट क्या हो जाएगा 0। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सर्किट डायग्राम दिया है, यहाँ पर बैटरी लगी है 7 वोल्ट, यहाँ पे लगा है 12 वोल्ट, करंट का डायरेक्शन जा रहा है 12 वोल्ट की तरफ से, ठीक है। अप्लाइंग KVL इन लूप PQSRP, अप्लाइंग KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ PQSRP, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन देखो ऐसे जा रहा है, तो हमारा वोल्टेज क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, रेजिस्टेंस है इन टू करंट की वैल्यू कितना आए, तो इसलिए हो गया माइनस। याद रखो हाँ, ये डायरेक्शन के साथ जा रहा है करंट, ठीक है, इसलिए वोल्टेज क्या होगा नेगेटिव, है ना, केवीएल में हमने पढ़ा है। फिर एस से आर की तरफ, ठीक है, वो भी उसी के डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये भी नेगेटिव होगा वोल्टेज, तो माइनस आई आर, ठीक। अब यहाँ पर देखो बैटरी के अपोजिट में आ रहा है, तो जाके प्लस 12 हो जाएगा। सिमिलरली एस आर यू टी एस, तो एस से आर जा रहा है, अलॉन्ग द डायरेक्शन जा रहा है, तो माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। फिर यू से टी की तरफ जा रहा है, अपोजिट आ रहा है, तो हो गया प्लस 7। अब आई आर माइनस था, उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आई आर की वैल्यू आ गई 7। अब इस आई आर की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, है ना, आई आर की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो माइनस 5 y और माइनस यहाँ आई आर, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 7, 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा 5, ये 5 वहाँ जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, तो 5 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, आई की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। और क्वेश्चन के हिसाब से गैलोमीटर 0 कब होगा करंट, जबकि आई की वैल्यू क्या हो जाएगी I1 के बराबर, ठीक है। अप्लाइड करंट जो कि I है, इसके सर्किट के थ्रू जो करंट बह रहा है I1, दोनों क्या हो जाएंगे 0, ठीक है। तो यहाँ पे I की वैल्यू आ गई है 1, I की वैल्यू 1 हो गई है, हमें IR दिखाइए क्वेश्चन से कितना है 7 है, तो हमें R चाहिए, तो I की वैल्यू 1, तो 1 × R R ही रहेगा, तो इसलिए R की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 ओम, ठीक है। नेक्स्ट दिया है जो कि 2020 में आया था, एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम गिव्स द फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन 1 mA करंट फ्लोस थ्रू इट, तो व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन मेजर्ड बाय कनेक्टिंग फोर रजिस्टर ईच ऑफ 16 ओम इन पैरेलल विथ एमीटर। तो हमें गैल्वेनोमीटर का जो रजिस्टेंस है वो दिया है 20, IG कितना दिया है 1 mA का डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, तो मिली एम्पियर इसको हमने क्या कर दिया एम्पियर में लिख दिया। इक्वल रेजिस्टेंस 4 रेजिस्टेंस है, ठीक है, 16 ईच पैरेलल में है, तो हम इसको ऐसे ही फॉर्मूला लिखते हैं ना इक्वलेंट रेजिस्टेंस का, दैट इज़ कैपिटल R बाई N, तो कैपिटल R हमें रेजिस्टेंस दिया है 16, कितने हैं 16 वाले 4, तो 16/4, तो कितना हो जाएगा इक्वलेंट 4 ओम, ठीक है। तो अभी सर्किट बना लिया है ना, जिसमें हम लोग काइंड ऑफ की मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर के जैसे, ठीक है, तो यहाँ पे पैरेलल में इक्वल रेजिस्टेंस लगा दिया जिसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है, ठीक है। तो जो करंट आता है यहाँ से वो IG करंट जाता है गैल्वेनोमीटर को, तो IG से जो बचा हुआ करंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं I - IG, वो किसको जाएगा इक्वलेंट रेजिस्टेंस को, तो यही वाला इक्वेशन हम लोग रखते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, जो G है देखो ये IG G रहेगा ही रहेगा, अब यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे,
आर इक्वल मल्टीप्लाई आर, है ना, यहाँ हो जाएगा, फिर आर इक्वल मल्टीप्लाई माइनस आई जी, ये ऐसा हो गया, ये माइनस आई जी इस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस आई जी हो जाएगा, ठीक। अब ये जो आर इक्वलेंट है, ठीक है, और इसको हम नीचे डिवाइड में ले लेंगे, तो हमें आई जी की वैल्यू पता है, मिली एम्पियर में दिया है, हाँ, और आई जी, ठीक है, अभी इसको कॉमन ले लिया तो बच्चा क्या, जी प्लस आर, जी की वैल्यू दिया है 20, ठीक है, और आर की वैल्यू 4, हाँ, डिवाइड बाय आर इक्वलेंट 4 पता ही है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे 20 प्लस 4 24, ठीक है, और डिवाइड बाय 4, 24 डिवाइड बाय 4 क्या हो जाएगा, 6, और ये 10^-3 एज इट इज, -3 एम्पियर है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे हम लोग, मिली एम्पियर, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी 20 में आया है, कि पोटेंशियोमीटर वायर 4 मीटर लेंथ दिया है एंड पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट दिया है, ठीक है, वी दिया है, एल दिया है, मेंटेन बिटवीन द एंड्स, तो द ईएमएफ ऑफ दिस सेल विच बैलेंस अगेंस्ट द लेंथ ऑफ 100 सेंटीमीटर ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज डैश, ये हमें पता करना है 100 मीटर सेल के लिए, 100 मीटर रही वायर लेंथ के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल इज बैलेंस कंडीशन क्या होगा यहाँ पे, वी बाय एल इंटू एल, जो कि के इंटू एल बोला जाता है ना, तो के को हम लोग क्या लिखते हैं, वी अपॉन एल, तो हमें वी दिया है 3 वोल्ट, हमने 3 वोल्ट लिख दिया, एल दिया है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 मीटर है, तो सेंटीमीटर में लिख दिया 400, मल्टीप्लाई बाय एल जो कि दिया है 100 सेंटीमीटर वो भी लिख दिया, तो 0000 कैंसिल, बचा क्या 3/4, उसको हम लोग 0.7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सेल्स हैविंग अननोन ईएमएफ E1 एंड E2 आर कनेक्टेड इन पोटेंशियोमीटर सर्किट सो एज टू असिस्ट ईच अदर, असिस्ट मतलब एडिशन, नल पॉइंट ऑब्टेन एट 490, ठीक है, डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना, उसी को नल पॉइंट बुलाता है, हायर पोटेंशियल एंड व्हेन E2 इज कनेक्टेड सो एज टू अपोज ईच अदर, माइनस हो जाएगा, नल पॉइंट कहाँ ऑब्टेन कर रहा है, 90 पे फॉर द सेम एंड, रेशियो ऑफ E1 और E2 पूछा गया है, तो कंडीशन के हिसाब से देखा जाए KL होता है, हमको पता है बाय प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, तो असिस्ट है इसलिए E1 प्लस E2 कितना दिया है 490, अपोज कर रहे तो 90, इसको साइमल्टेनियसली अगर हम सॉल्व करेंगे तो E2 जाएगा, तो 2E1 क्या हो जाएगा 490 प्लस 90 जो कि हो जाएगा 580, अब E1 क्या हो जाएगा 580 डिवाइड बाई 2 जो कि आ जाएगा 290, अब E1 290 आ गया तो यहाँ पे हम 290 रख सकते हैं और E2 की वैल्यू पता करना है, तो E2 हम उस तरफ लेके जाएंगे तो भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 290 से, तो 490-290 E2 आ जाएगा 200, ठीक है। तो E1 था 290 निकाला, E2 निकाला हमने 200, 0-0 कट, 29/20 आ जाएगा फर्दर 1.45। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी 2020 में पूछा गया, 10 मीटर लॉन्ग वायर रेजिस्टेंस कितना दिया, 20 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट, लेंथ दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, 3 वोल्ट की बैटरी दी है एंड रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, ठीक है, द पोटेंशियल ग्रेडियंट अलॉन्ग द वायर, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 20 + 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है, 20 + 10 30 हो गया, करंट फ्लोइंग थ्रू, ओम्स लॉ भी बोल सकते हो, वी अपॉन आर, वी की वैल्यू दी है 3, आर 30 है, 3/30 1/10 आ गया, इसको हम 0.1 भी लिख सकते हैं, अब पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला गया है तो उसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट को क्या लिखते हैं, पता है ना, ई इक्वल्स टू के एल, तो के को हम लोग क्या लिख देंगे, ई अपॉन आर, अब ई अपॉन एल, तो ई को हम लोग आई आर भी लिख सकते हैं, है ना, ई एम एफ ऑफ बैटरी आई आर, तो आई दिया है 0.1 निकाला हमने, आर 20 जो कि क्वेश्चन में ही दिया है, ठीक है, तो 20 और ये 10 है, तो ये 0 कट, 2/1, 2 को हम अगर 0.1 से मल्टीप्लाई करते तो आ जाएगा 0.2, ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं और आए हैं, कुछ हो सकता है सर्किट और कॉम्प्लिकेट करके भी दे दे, क्योंकि उन्होंने बोला है जेई मेंस के लेवल का पूछेंगे, ठीक है, तो इसको तो आप प्लीज़ प्रैक्टिस करके चाहिए, ठीक है, और थ्योरी क्वेश्चंस के लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ, करंट लॉ, ठीक है, और पोटेंशियोमीटर के वो जो प्रोज और कॉन्स होते हैं ना, कि सेफ्टी क्या रखना है, और आप वोल्टमीटर और एमीटर की एक बार शॉर्ट नोट जैसे पढ़ के जाइए, जो डिफरेंस बिटवीन सब होता है, ठीक है, वो आपको थ्योरी बेस्ड में आ सकता है MCQs के लिए 1 लाइन में, ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पढ़ लो पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर का, ठीक है, थैंक यू।